व्यूअर्स, इलियासा सॉफ्टवेयर कंपनी की जानिब से मैं मोहम्मद इलियास और आज की वीडियो में हम हार्डवेयर के बारे में पढ़ेंगे। एंड ये हमारे पास जो है यूनिट टू। सो प्रीवियस क्लास में हमने इसके इंट्रोडक्शन किया था कि सिस्टम में हम कौन कौन सी फीचर्स डालेंगे, कैसे कैसे वो काम करेंगे, कौन से इसका डायग्राम होगा और इसमें जो है हार्डवेयर कौन सा होगा। आज हम इस हार्डवेयर को जो है इस वीडियो में, इस यूनिट में हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे कि इसके लिए जो हार्डवेयर हमने सेलेक्ट किया तो क्यों सेलेक्ट किया। ठीक है, सो चलते हैं हार्डवेयर की तरफ। फर्स्ट हम चलते हैं रिस्पबेरी पाई की तरफ। तो इसके लिए हमने जो यूज़ किया है रिस्पबेरी पाई मॉडल बी। सो ओपन योर ब्राउजर एंड राइट हियर द रिस्पबेरी पाई मॉडल, या बस रिस्पबेरी पाई यहाँ पे लिख और एंटर करें। आप वो जो है रिस्पबेरी पाई पे, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ से आप देख सकते हैं रिस्पबेरी पाई। आपको मुख्तलिफ टाइप्स की रिस्पबेरी पाई आपको मिलेंगे, लेकिन यहाँ से हम जो यूज़ करते हैं वो हमारे पास है रिस्पबेरी पाई 2। यहाँ से मैं रिस्पबेरी पाई मॉडल बी और इसको मैं एंटर करता हूँ। यहाँ से मैं लिखता हूँ कई किसी भी, चलिए मैं यहाँ से इसको यहाँ से प्राइस लिखता हूँ, तो प्राइस के साथ इसे कोई जो है वो ओपन हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं इसको किसी ऐसे, चलिए अमेजोन पे देखते हैं इसको, तो ओपन करते हैं और इसकी प्राइस वगैरह जो है आपको यहाँ से पता चल जाएगा। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं जो है इसका प्राइस आपको यहाँ पर जी $31 है इसका, 31.9 मीन्स 32 डॉलर है इसका कीमत। यहाँ से आप देख सकते हैं इसके मुख्तलिफ पिन है आपको यहाँ पर, ये GPU BCM, ये जो पिन है हमारे पास, जैसे हम जो है कंट्रोल करेंगे बजर को, यहाँ से बजर को कंट्रोल करेंगे, फैन कूलिंग फैन यहाँ पे लगाएंगे, ये आपको यहाँ पे ये स्लॉट नज़र आ रहे हैं, ये स्लॉट नज़र आ रहे हैं, ये हमारे पास जो है कैमरा, इसमें हम लगाएंगे, इस स्लॉट में हम कैमरा को लगाएंगे, और जो है ये हमारे पास HDMI केबल है। जब आप इसको कॉन्फ़िगर करेंगे, मीन इसमें आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे, तो इसके लिए आपको जो है HDMI केबल की ज़रूरत पड़ेगी। और ये आपके पास जो है दिस वन इज़ द ऑफ और ऑन ऑफ, ठीक है, ये मैं यहाँ से इसको ओपन करता हूँ। ये आपके साथ जो है ये ऑन ऑफ के लिए यूज़ होता है, इसको हम कैमरा इसे कनेक्ट करेंगे। और ये जो आपको पिन नज़र आ रहा है इसमें, ये वाला और ये वाला पिन ये हम फैन से कनेक्ट करेंगे, और ये पिन और ये नहीं, ये पिन नहीं, इसमें जो 7 नंबर पिन है वो हमारे पास ग्राउंड है। सो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 नंबर पिन हम बजर की ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे, और इसमें जो यहाँ पर 1 2 3 4 5 नंबर नज़र आ रहे हैं आपको, इसको हम कनेक्ट करेंगे। ये हमारे पास 7 पिन है। अगर आप डॉट बोर्ड को यूज़ करेंगे, अगर BCM आप यूज़ करेंगे तो ये 4 नंबर पोर्ट है आपके पास, तो ये पोर्ट के थ्रू जो है हम इसको ऑन ऑफ करेंगे, इस जो है पिन के थ्रू हम इसको ऑन ऑफ करेंगे। GPIO मीन्स जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट, सो इससे हम इसको कनेक्ट करेंगे। इसका जो मतलब वोल्ट 5 वोल्ट जो पिन है बजर का, वो जो हम इससे कनेक्ट करेंगे, और इन दोनों से हम फैन कनेक्ट करेंगे। इससे जो है 7 नंबर पिन से जो है ये ग्राउंड है हमारे पास, और यहाँ पर जो ये पिन है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है ऑन ऑफ के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं ये 4 नंबर पिन है, 5 नंबर नहीं सॉरी, ठीक है, ये डायग्राम में आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये दोनों हमने फैन से जाके कनेक्ट किया हुआ, ये दोनों हमने फैन से कनेक्ट किया हुआ है, और ये जो है हमने यहाँ पर बजर से कनेक्ट किया, और यह पर जो इसके लिए केबल मिलती है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, तो हमने यहाँ पर कैमरे के साथ कनेक्ट किया हुआ है। अच्छा, तो अब ये तो आप हमारे पास कंप्यूटर हो गया। अगर आपको इसके लिए मतलब स्क्रीन लेना चाहते हो रिस्पबेरी पाई के लिए तो ले सकते हो, हम जो है इसको रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि ये भी तकरीबन ये होगा ये $48 पे, ये देखो, ठीक है, विद प्लस मेमोरी कार्ड 32 GB, तो इसको मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको एक LCD के साथ इसको कनेक्ट करना है, ठीक है, और इसको जो है रिस्पबेरी पाई को, ठीक है, और इसमें जो है आप इस इंस्टॉलेशन करो। अच्छा, इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम इसके इंस्टॉलेशन के बारे में नहीं बताएंगे, इसके लिए हम अलग रिस्पबेरी पाई कोर्स बना रहे हैं। इसमें फिर इस इंस्टॉलेशन आप कैसे करेंगे, इसमें आप जो है लाइब्रेरी को कैसे इंस्टॉल करेंगे, उसमें हम जो है उस ट्यूटोरियल में जो है हम उस पर फिर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में जो है सिर्फ होम सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये था हमारा जो है रिस्पबेरी पाई। अब चलते हम नेक्स्ट जो हमने यूज़ किया है रिस्पबेरी पाई मॉडल रिस्पबेरी पाई कैमरा, जो हमने यूज किया हुआ कैमरा V2। अच्छा, सो कैमरा V2 हमने यूज किया है, इसके लिए जो 8 मेगापिक्सल है, 8 MB है और 6 MP है। अच्छा, तो ये अब यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पर भी, लेकिन चलते हैं हम अमेजोन की तरफ।
सो क्लिक करें यहाँ पर, ये आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, ये हमारे पास है कैमरा, इस कैमरा को हमने यूज किया हुआ है, ये आपको यहाँ पर नजर आ रहा है ये कैमरा, ठीक है, इसको हमने यूज किया हुआ है। यहाँ से आप इस केबल को लेकर यहाँ पर आप इसको कनेक्ट करेंगे, यहाँ पर एक ऐसा स्लॉट है जो यहाँ पर इस पे आप इसको कनेक्ट करेंगे। सो ये कैमरे की कनेक्टिविटी है, इसकी प्राइस भी आपको यहाँ पर नजर आ रहा है $26 है, $26.99, और इसके साथ जो ये दो तीन केबल्स भी आपको फ्री मिलते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये नहीं मिलते हैं, ठीक है ना। सो ये आपको और भी इसके मुख्तलिफ मॉडल्स ये कैमरे हैं वो आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आप किसी भी कैमरा को ले लें और फिर इसको कनेक्ट करें, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ये ऑलरेडी कनेक्ट हुआ है, इसी तरह से आपको इस कैमरा को कनेक्ट करना है। चलिए मैं इसको ओपन करता हूँ ताकि हम इसको डिटेल, यहाँ से आपको इस कैमरे को कैसे कनेक्ट करना है, इस कैमरे को आपको ऐसे ही कनेक्ट करना है, ठीक है। ये है कैमरे की कनेक्टिविटी। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो हमारे पास है रेस्पबेरी पाई पेन, रेस्पबेरी पाई पेन। अच्छा, याद रखो ये जब आप रेस्पबेरी पाई पेन मतलब खरीदोगे तो आपको जो है काफी जो है ये मुख्तलिफ जो इसके सप्लायर्स है वो आपको ऐसे पेन देंगे कि ना तो वो किसी काम का होगा ना इसमें लगेंगे। तो आप काइंडली जब भी खरीदोगे इस पेन को तो रेस्पबेरी पाई अपने साथ लेकर इस पेन को खरीदिए ताकि वहाँ पर आपको उसको चेक करके टेस्ट करे कि ये काम करते हैं कि नहीं, ठीक है। सो ये देखिए, इसने अपने अब दो फैन यहाँ पे लगाए हुए हैं कि डबल फैन है, लेकिन डबल फैन की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें बस ये फैन चाहिए, ये वाला जो है, इस फैन को हमने लिया हुआ है इस जो है अपने इस प्रोजेक्ट के लिए, हमने इस फैन को सेलेक्ट किया हुआ है। अब ये सिंगल फैन आपको नजर आ रहा है, ये वाला ये हमने सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। सो ये है हमारे पास वो फैन जो हम इसमें यूज करेंगे, यहाँ पर ये 4 स्क्रू है हमारे पास, ठीक है। इसको हम इंशाल्लाह यूनिट 4 में आपको जो है हार्डवेयर जो हमने बनाई हुआ है वो हम आपको दिखाएंगे। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास जो है ऐसा ही ये लगता है, ठीक है ना। इसको भी हमने ऐसा ही लगाया जिस तरह इन्होंने यहाँ पर बताया कि आपको इसको कैसे लगाना है, ठीक है। इसके लिए आपको एक कवर लेना है, ये देखो रेस्पबेरी पाई बॉक्स, ठीक है, ताकि उसमें आप इसको फिट करके फिर यहाँ पर आप इसको लगाएं। ये इसके लिए एक अलग सा सर्किट इसने लिया हुआ है, लेकिन इसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसमें ऑलरेडी जो है सब चीज़ें पूरा है, कंप्लीट है, ठीक है। वो हम आपको ऐसे भी डायग्राम में हमने आपको दिखाए हुए हैं, बस आपको इसको ऐसे कनेक्ट करना है, ठीक है। तो ये हमारा रेस्पबेरी पाई फैन। अब इसके बाद हम चलते हैं रेस्पबेरी पाई हीट सिंक की तरफ। सो जो हीट सिंक हमने इसमें यूज़ किया हुआ है हम उसकी तरफ चलते हैं। सो रेस्पबेरी पाई हीट सिंक बहुत ज़रूरी है रेस्पबेरी पाई के लिए, क्योंकि ऐसे जगहों पे जो है आप इसको ये देखें, आपको ये हीट सिंक लेने हैं, ठीक है। ये एक दो और ये तीन, नहीं जो भी हो बस सही है, चलता है ये भी चलता है, ठीक है। बस आपको ये देखो इस रेस्पबेरी पाई पे ज़्यादा लगता है, इस पे कम लगता है, या आपको ये भी आप ले सकते हैं, लेकिन आपको रेस्पबेरी पाई जो है जब भी आप हीट सिंक खरीदोगे ना तो रेस्पबेरी पाई अपने साथ रख के फिर जाए। ये भी एक हीट सिंक है, देखो ये हीट सिंक जो है ये आपको 2200 रुपये पे मिलेगा PKR में, ठीक है। और ये जो हीट सिंक है ये तकरीबन आपको ये 350 या यही तक जो है इस रेट पे आपको मिल जाएगी, कहीं से भी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप से आप इसको ले सकते हो। अब इसमें जो हमने नेक्स्ट चीज़ यूज़ किया हुआ है वो है हमारे पास बजर। सो बजर, बस राइट सिंपली बजर एंड क्लिक द इंटर बटन। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इस बसर को यूज़ किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक इसका पॉजिटिव लिंक है, एक इसका नेगेटिव लिंक है, ठीक है। एक पॉजिटिव नेगेटिव, तो पॉजिटिव बड़ा होता है और नेगेटिव जो है वो इससे छोटा होता है साइज में। तो इसका साइज छोटा बड़ा होता है पॉजिटिव का, और जो है उसका थोड़ा जो है छोटा होता है। ये ऑलरेडी इसने साइड पे लिखा हुआ है भी पॉजिटिव, आप देख सकते हैं। आपको ऐसी कंडीशन में आपको ये मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपको प्लस उसके साथ उसके साइड पे आप देखोगे कि यहाँ पर प्लस लिखा होगा। बस इसकी आइडेंटिफिकेशन ये भी है कि इसका प्लस यहाँ पे तो ये प्लस है, और एक ये भी है कि प्लस जो है जो इसका पिन है वो टर्मिनल है वो इससे थोड़ा जो है उसका लिंक जो है वो ज़्यादा है और इसका लिंक जो है वो थोड़ा कम है। तो आपको इसको जब आप कनेक्ट करोगे यहाँ पर तो याद रखो आपको रेड जो है वो यहाँ से आपको कनेक्ट करना है, जो आपका पॉजिटिव है जो आपका ग्राउंड है वो आपको यहाँ पर इसके साथ कनेक्ट करना है, ठीक है। कैमरे की कनेक्टिविटी में हमने आपको दिखा दिया, फैन की जो है वो
हमने आपको दिखा दिया, फैन को भी आपको यहाँ पर कनेक्ट करना है, ठीक है। और ये सब चीज़ें जो है हमारे पास कंप्लीट हो गई है कि हार्डवेयर जो है वो हम कैसे आपको मतलब खरीदोगे, कैसे आपको मिलेगा, तो आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप से भी ले सकते हो और या नेट पे सर्च करके daraz.com से भी ले सकते हो। किसी भी वेबसाइट पे जाइए, आप वहाँ पे सर्च करें, आपको ये हार्डवेयर जो है मिल जाएगी। अगर फिर भी आपको हार्डवेयर मिलने में कोई इशू आ रहा है, कोई मसला रहे, तो हमारा जो है इस चैनल पे आप यहाँ पर आ सकते हैं और यहाँ से जो है आप हमारे साथ कॉन्टेक्ट कीजिए। यहाँ पर आप आ सकते हैं, ये अबाउट में आपको यहाँ पर जो एक नंबर हम यहाँ पर दिया हुआ है, आप इस नंबर पे हमसे राबिता कर सकते हैं ताकि आपको अगर हार्डवेयर मिलने में इशू हो या इसके कॉन्फ़िगरेशन में इशू हो या किसी भी चीज़ में आपको इशू हो इस प्रोजेक्ट में, तो आपको इस नंबर पे हमसे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लेकिन याद रखो, इस चैनल पर जितनी मटेरियल है उस मटेरियल की रिलेटेड जो है आप इस नंबर पर हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये आउटसाइड अदर साइड चीज़ों से डिस्कस करने इसलिए इसके लिए आपको जो है हम टाइम नहीं देंगे, सिर्फ इस मटेरियल के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो, जो भी मसला हो, वो आप हमसे डिस्कस सकते हैं। मंडे 10 बजे से लेकर मॉर्निंग पाकिस्तान टाइम, फ्राइडे शाम 10 बजे तक, मतलब रात 10 बजे तक पाकिस्तान टाइम पीएम तक आपको सपोर्ट हम देते हैं, बाकी दो दिन जो है वो छुट्टी है। सो अब ये हमारे पास जो है वो कंप्लीट हो गया कि हम हार्डवेयर कैसे लेंगे, कहाँ से लेंगे, कौन कौन सा हार्डवेयर हमने इसमें यूज़ किया हुआ है। सो ये था हमारा हार्डवेयर। अच्छा, और इसकी वाईफाई इंस्टॉलेशन जो है आप कहीं से भी जाके यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं कि हाउ टू इंस्टॉल रेसबेरी पाई, हाउ टू इंस्टॉल रेसबियन। सो यहाँ से आप एंटर कीजिए, आपको बहुत सी वीडियोस मिल जाएगी यहाँ पर। ये देखो यहाँ पे आपको कैसे इंस्टॉल करना है, यहाँ पर भी मिल जाए, यहाँ पर भी मिल जाएंगी, ठीक है। आपको कहीं से भी जाके इसको इंस्टॉल करें, बहुत सिंपल है, आसान है। आपको ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ से डाउनलोड करना है रेसबियन से, चलिए सिर्फ रेसबियन में लिखता हूँ, यहाँ से आपको जाना है, ठीक है। और इसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को डाउनलोड करना है, इसी बड़े बड़े ऑपरेटिंग डाउनलोड ना करो, इसमें छोटा आपको नजर आ रहे ना, बस इसको इंस्टॉल करो, ठीक है। इसको लेकर आओ, अनसब्सक्राइब करो, कॉपी करो मेमोरी कार्ड को, और इसके बाद जो है रेसबेरीफाई में लगा दो और रन करो। फिर उसके बाद आपको एक ऑप्शन आ जाएगा कि आपको कौन सा इंस्टॉल करना है, आपको रेसबियन सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट करना है, ऑटोमेटिकली सब चीज़ें हो जाएगी, आपको जो है रेसबेरीफाई कॉन्फ़िगर हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आपको कौन सी भी इंस्टॉल करना है, तो हम आपको सॉफ्टवेयर सेशन में बताएंगे कि आपको कौन सी भी इंस्टॉल कैसे करना है, कौन कौन सी चीज़ें जो है आपके लिए ज़रूरी है उसमें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसमें आपको जो है OpenCV कैसे इंस्टॉल करना है, जो है कोड कैसे जो है उसको सेट हम करेंगे। सो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।